बशर के तारे हैं हुसैन, इंसान को बेदार तो होने न दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। हिंदू भाई हमारा बहुत एहतराम करते हैं मुहर्रम का, और बाजा तो हर गाँव में बाजा तो मुहर्रम का एहतमाम किया जा रहा है। खास तौर से दो बार जरूर पूछते हैं, जब हाजी आज को जाते हैं तो जरूर इस बात की पूरी तरीके से तहकीक करते हैं कि हाजियों को कोई किस्म की तकलीफ ना हो, अच्छे से अच्छे इंतजाम। और मुहर्रम के बारे में भी वो जरूर जिक्र करते हैं, जब भी मुहर्रम से पहले हम लोग मिलते हैं तो अच्छे से अच्छे इंतजाम कीजिए, ताकि हमारे जो शिया भाई है, हमारे साथ जो भी जो मातम करते हैं, उन्हें किस किस्म की तकलीफ होना चाहिए। सर, हम लोग पिछली बार यानी कि टोटल आशूर खानों को 509 आशूर खानों को हम एक्सपेंडिचर दिए थे सर, इस बार भी इसी तरह से ये करेंगे सर। इसमें आशूर खानों को 5000 से 20000 तक अलग अलग आशूर खानों के हिसाब से दिए थे सर। अब इस बात जो सो अंजुमन को जो है सो 2000 से 2500 तक दिए सर, और जो है सो सभी लाख जो है सो 1000 रुपए के हिसाब से दिए था। इस तरह से भी तो बजट के हिसाब से सेम हम लोग ये करेंगे सब। हाथी का अरेंजमेंट्स के वास्ते एजाज जो आदमी के अलावा जो इंचार्ज है सर, हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे सर। पिछली बार जो करे इसी तरह से किसी की कमी नहीं सर का, हम कोऑर्डिनेट करके पूरा प्रोग्राम सक्सेस करेंगे सर। ये हाथी का अभी जियो जारी हो गया है, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि एक दिन दो दिन पहले ही वो हाथी को लेकर आए, उसको आराम दे, उसको रेस्ट दे, क्योंकि वो दिन जो है हम सब देखते हैं, हम जाते हैं कि कितना क्राउड होता है, वो कितना थक जाता है वो हाथी। तो उसके साथ वेटरनरी डॉक्टर भी हो, उसका मैनेजमेंट जो है आजू बाजू लोग उसको सताए मत ज़्यादा, और उसको ठीक से मैनेज करना बहुत ही अहम बात है। तो ये हम देखेंगे, और पुलिस के तो तरफ से पूरे जो भी इंतजाम हैं और हम ज़रूर करेंगे, और आपसे हम बात करते रहेंगे, जो भी मसले आते रहेंगे उसका हम सुझाते रहेंगे। में मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें हम तमाम चेयरमैन और खासतौर से हमारे जो मायावती मिनिस्टर कपूला ईश्वर साहब और जो है मायावती सेक्रेटरी साहब, सीएम एडवाइजर एके खान साहब और बहुत से लोग शरीक रहे, और जो हमारे एमएलए से मैम के एमएलए भी मौजूद थे, और शिया कमेटी के बहुत से हजरात भी थे। बी के एलम के बारे में और उस दिन के इंतजाम के बारे में डिटेल डिस्कशन हुआ, और मुतफिका तरीके से जो जो जरूरत है जहाँ जहाँ आशूर खानों की मदद करने की जरूरत है, वहाँ आशूर खानों के रिपेयर के लिए डिटेल हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब ने भी बताया कि हम इतने आशूर खानों को रिपेयर किए हैं। कुछ लोगों ने कहा कि डिस्ट्रिक्टों में भी जो आशूर खान है उसके रिपेयरिंग के लिए, तो मैं उनसे वायदा किया हूँ कि हमारे कलेक्टर से हम हिदायत देंगे, जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट में आशूर खाने हैं वो जरूर उसे रिपेयर किया जाएगा। और मुहर्रम एक ऐसा महीना है जिसमें हम गम मनाते हैं, और उस गम में सारे तेलंगाना का कल्चर है, हमारे हिंदू भाई भी शरीक होते हैं, वो बाजाबता आलम निकालते हैं, बाजाबता मुहर्रम का एहतमाम करते हैं। तो हम ये गंगा जमुना तहजीब हमारे तेलंगाना में बरसों से चलती आ रही है, और हमारे सीएम साहब तेलंगाना बनने के बाद इस गंगा जमुना तहजीब को बहुत फर्क दिया है। आज सारे हिंदुस्तान में कहीं गंगा जमुना तहजीब है तो तेलंगाना में, और मुहर्रम यकीन हमारे लिए बड़ा एहतराम का महीना है, और हमारे शिया भाई बहुत मातम करते हैं, गम मनाते हैं, उस गम में तमाम हम भी शरीक है, हमारे हिंदू भाई भी शरीक है। इस मरतबा भी मुहर्रम का दिन जो बी का आलम है, हाथी का भी बारे में भी जियो जारी हो चुका है, अच्छा हर तरह हर साल की तरह और भी अच्छा इंतजाम करेंगे। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, कोरोना के अंदर सारे हिंदुस्तान में कहीं मुहर्रम का एहतमाम नहीं किया गया, मगर हमारे हैदराबाद में और तेलंगाना स्टेट में किया गया। डेफिनेट हमारे सीएम साहब दो बार हमसे जरूर पूछते हैं, एक बात हाजियों के इंतजाम के सिलसिले में, दूसरी बात मुहर्रम के इंतजाम के सिलसिले में, हम अच्छे से अच्छे इंतजाम करेंगे।